सुहागपुरा में आयोजित होली मिलन समारोह में विधायक रामलाल मीणा ने पारंपरिक आदिवासी गेर नृत्य किया। यहाँ कांग्रेस पदाधिकारियों एवं आदिवासी लोगों के साथ विधायक मीणा झूमते हुए नजर आए और इन्होंने काफ़ी देर तक ये नृत्य का आनंद लिया। वहीं यहाँ इन्होंने ढोल बजाकर और पारंपरिक आदिवासी परंपरा को निभाया और विधायक रामलाल मीणा ने इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित किया, जिसमें इन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री विधायक एवं यहाँ के मंत्री नंदलाल मीणा ने इस क्षेत्र को विकास के लिए हमेशा पिछड़ा रखा और मैंने यहाँ पर कॉलेज खोल और यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया, जबकि पूर्व मंत्री विधायक एवं सरकार में मंत्री रहे मीणा ने यहाँ पर लोगों को और आदिवासी युवकों को आगे बढ़ाने की तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई, यहाँ तक कि शिक्षा से वंचित रख। क्या होगा, कौन डॉक्टर एक रामलाल बढ़िया
तो इसलिए हम देखे एक भी कॉलेज नहीं खोलना। लेकिन मैंने आते ही देखा कि जब मैं सीता माता बहन में लकड़ी जला के पढ़ लिख करके इतनी क्रांति मचा सकता हूं, तो इस पूरे क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आते ही मैंने कन्या महाविद्यालय खोल दिया लड़कियों के लिए। काफी समय से लड़की कॉलेज की मांग करती, सारा जी चित्तौड़ पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, उदयपुर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, और बहुत सारी लड़कियां तो 12वीं के बाद स्कूल छोड़ देती।